कांग्रेस की ओर। उमरिया में आरटीओ द्वारा की जा रही मनमानी से आम जनता परेशान। छतरपुर के बैंकों ने भी 11वां वेतन के लिए की हड़ताल। अब चलते हैं खबरों के विस्तार की ओर। मध्य प्रदेश के उमरिया में आरटीओ विभाग की मनमानी से आम जनता परेशान है। ऐसा लगता है कि आरटीओ उमरिया ने यह ठान लिया है कि शासन की सारी महत्वाकांक्षी आदेशों को अनदेखा कर अपना आदेश लागू कर भ्रष्टाचार की नई कहानी गढ़ रहे हैं। ऐसा ही मामला विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की जिप्सी कारों को फिटनेस के लिए आरटीओ उमरिया लाया गया था, जिसमें नियम विरुद्ध तरीके से उनका फिटनेस कर दिया गया। जबकि नियम यह है कि जिन वाहनों में स्पीड गवर्नर लगे होंगे उनका ही फिटनेस करना है, लेकिन जिला परिवहन अधिकारी द्वारा कमीशन के फेर में बिना स्पीड गवर्नर लगे वाहनों का फिटनेस किया जा रहा है। वहीं शासन की योजनाओं पर पलीता लगाने कुछ अधिकारियों ने अपने नुमाइंदे पाल रखे हैं और मोटी रकम लेकर काम कर रहे हैं। सिर्फ यही माइक्रो ऑटोटेक एक ऐसी कंपनी है जो बना रही है, इसके अलावा जो यहाँ पर वर्तमान में 2-3 कंपनियां संचालित हैं उनमें किसी में भी नहीं है। तो ये पर्सनल मेरा है, तो शायद मेरे से कुछ व्यक्तिगत संगीत स्थितियां परिस्थितियां हो, इस कारण नहीं मेरा, मुझे ट्रेड भी नहीं जारी किया जा रहा है। मैंने नया फॉर्म भी भरा है कि मेरे को ट्रेड जारी किया जाए जिससे मैं भी लाभप्रद ले पाऊँ इस ट्रेड का। मैंने इसमें बहुत सारे गवर्नर मंगा के रखे हैं मेरे पास, लगभग 100 के ऊपर गवर्नर इनके आदेश के बाद मैंने मंगाया था, और वर्तमान समय में वो सारे गवर्नर मेरे पास वेस्टेज पड़े हुए हैं। मेरे गवर्नर किसी में नहीं लग पा रहे हैं, ना मुझे आदेश दिया जा रहा है। मैं आज भी इसको प्रस्तुत किया हूँ। नहीं, जो नहीं, पूरे देश में हो रही बैंकों की हड़ताल के साथ ही छतरपुर के बैंकों ने भी अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ के बैनर तले वेतन वृद्धि को लेकर एक दिवसीय देश व्यापी बैंकों की हड़ताल की गई, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ के क्षेत्रीय सचिव श्री विवेक रावत ने बताया कि हम बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों का 11वां वेतन 1 नवंबर 2017 से लागू हो गया था, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन व वित्त मंत्रालय की अड़ियलपन के कारण अभी तक लागू नहीं हो पाया। इस हड़ताल में IBOC के अंतर्गत आने सभी बैंक अधिकारी शामिल हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा वेतन समझौता है वो स्केल 1 से लेकर स्केल 7 तक के जो अधिकारी हैं वो एक जैसा है। इसके अलावा हमारी एक और डिमांड है वो NPS को लेकर है, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम किसी भी हद तक सही नहीं है। किसी को नहीं मालूम कि उसके रिटायरमेंट के बाद 60 साल में उसको क्या मिलेगा, इसका कहीं कोई डाटा नहीं है। कहाँ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी को जानकारी नहीं। हमारी डिमांड है कि NPS को बंद करके पुरानी पेंशन योजना उसको कन्वर्ट करें। अगर शासन आपकी मांगें पूरी नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? हमारी शासन IBO केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय वित्त मंत्री सभी से के लोगों का विरोध है, इनको हमारी बात माननी पड़ेगी। इसके पहले भी हम इस टाइप पर गए थे, शासन याद करे, IBO को याद करे कि हमारे संगठन द्वारा 21 दिन की भी हड़ताल की जा चुकी है। हम लोग 21 दिन की हड़ताल में निरंतर रह चुके हैं, और यदि ये बात नहीं मानते हैं तो हम पुनः आपको दौर अपनाएंगे, दोबारा से वो इतिहास दोहराएंगे। हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.